नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आईपीएल नीलामी की तारीख आ गई है। जी हां, आईपीएल 2021 में छोटी नीलामी कब होगी इस बात का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई अधिकारी ने तारीख की पुष्टि कर दी है, पर नीलामी में किस शहर आयोजित की जाएगी इस बात की घोषणा अब तक नहीं हुई है। 18 फरवरी को आईपीएल की नीलामी होनी है। इसी दिन 8 फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बैठेगी और खिलाड़ियों की मंडी सजेगी। पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, इस साल की नीलामी 18 फरवरी को की जाएगी। इसे कहां कराया जाना है, इसके आयोजन स्थल को लेकर फैसला अभी किया जाना है। हालांकि बीसीसीआई को अभी ये तय करना है कि आगामी आईपीएल का आयोजन भारत में होगा या नहीं। बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हालांकि बार बार जोर देकर कहा है कि इसका आयोजन घरेलू मैदान पर करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। बीसीसीआई की तरफ से टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को 20 जनवरी तक रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने को कहा गया था और जारी भी कर दिया गया है, जबकि 4 फरवरी तक ट्रेडिंग विंडो खुला रहेगा। सभी टीमों ने कुल 57 खिलाड़ियों को रिलीज किया, जबकि बाकी के अहम खिलाड़ियों को टीम के साथ बनाए रखने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, आईपीएल 2021 की नीलामी बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि लगभग सभी टीमों ने बड़े खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से पहले ही रिलीज कर दिया है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान ने स्टीवन स्मिथ को बाहर कर दिया, जबकि ग्लेन मैक्सवेल को किंग्स इलेवन पंजाब ने बाहर कर दिया है। आपको बता दें, किंग्स इलेवन पंजाब के पास इस समय पर्स में सबसे ज़्यादा 53 करोड़ 20 लाख रुपए बचे हुए हैं, जबकि मुंबई इंडियंस ने 7 खिलाड़ियों को छोड़ा है और उनके पास 15 करोड़ 35 लाख रुपए बचे हुए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में 10 करोड़ और 85 लाख रुपए बचे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।